नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन रॉयल न्यूज में, जहाँ उठाते हैं आपकी आवाज सबके साथ। फिलहाल हम मौजूद है गुरुग्राम के सदर बजार के पास और आप देखिए सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हुए हड़ताल, एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल अवकाश पे आज सफाई कर्मचारी है और कोई काम सफाई कर्मचारी नहीं करेंगे। आज हड़ताल का आप देखिए महिला और प्रत्येक सफाई कर्मचारी लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पे आज नजर आ रहे हैं। क्या पूरी बात है, क्या पूरा मामला है जानेंगे। सर क्या पूरी बात है, क्या मामला है बताइए। हमारी मांग है कि जो भी सरकार ने 6 अगस्त 2019 को जो फैसला किया टेबल पे बैठ के, नगर पालिका कर्मचारी से हरियाणा मांग कर रहा है कि जो सरकार ने फैसला किया उसका परिपत्र जारी करें। और इसलिए हमारा यह आंदोलन चल रहा है। हमने बार बार अनिल विज के गृह जिले में भी जाके 8 तारीख को हमने उनको ज्ञापन दिया कि हमने सरकार से ये मांग की है कि जो हमारी 18 सूत्रीय मांग पत्र है उस पर सरकार जल्दी से जल्दी विचार करके और हमारी मांगों को लागू करे, अन्यथा हम आंदोलन पे हैं। और हमने आज एक दिवसीय हड़ताल पूरा हरियाणा में करके ये सरकार को चेता दिया है, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम इसी आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन व सरकार की स्वयं होगी। और हमने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से यह आंदोलन चला रखा है, जो कि हमारे 1366 कर्मचारी फायर के साथी हैं। उन्होंने सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि इनको राजस्व विभाग में भेजने की इनकी तैयारी कर रही है। और हम ये कह रहे हैं कि जब ये शुरू से फायर का विभाग स्थानीय निकाय के अधीन है तो अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इसको राजस्व विभाग में भेजने की तैयारी करनी पड़ी, ऐसा क्यों हुआ। हम ये कह रहे हैं कि फायर का कर्मचारी अगर राजस्व विभाग में जाता है तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एक पुरजोर तरीके से इन कर्मचारियों के समर्थन में पूरा हरियाणा का कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा। तो जी अगर सरकार ये बात नहीं मानती आपकी, नहीं करती, तो कब तक आप हड़ताल करेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप हड़ताल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपकी हड़ताल चले ये बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार ने हमारे इस आंदोलन को कुचलने का दबाने का प्रयास किया तो ये अच्छा नहीं होगा। और हम ये कह रहे हैं सरकार से कि अभी समय रहते चेंज जाए, अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का विरोध का उन्होंने सामना करना पड़ेगा। आज हमारे कई हजार आदमी आप देख भी रहे हो सड़कों पे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हम एक दिन की बजाय अगर हमने 100 दिन भी स्ट्राइक पे जाना पड़ा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सरकार हमारे साथ कुछ भी करे हम उसको जहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी यहाँ पे दिख रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम के सोना चौक की तरफ बढ़ते हुए सफाई कर्मचारी लगातार नारेबाजी के साथ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ हड़ताल सफाई कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक सफाई कर्मचारी हड़ताल करते नजर आते हैं, आप देखिए किस तरीके से, और लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल करते नजर आते हैं। और हालात जो है गुरुग्राम के वो बद से बदतर है। आज जो सफाई कर्मचारी है वो लगातार हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दिवसीय हड़ताल रहेगी आज पूरी तरीके से। सफाई कर्मचारी आप देखिए हजारों की तादाद में रोड पे फिर से उतरते नजर आए, ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं, ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्यान देते हैं। और किस तरीके से इनके साथ खिलवाड़ होता है वो आप देखिए, किस तरीके से कितने हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए गुरुग्राम के सोना चौक की तरफ सफाई कर्मचारी आगे बढ़ते हुए। और शर्मसार बात है कि सरकार इस पे कुछ कार्य नहीं करती, सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देती और लगातार सफाई कर्मचारी रोड पे नजर आते हैं, रोड पे हड़ताल करते नजर आते हैं। बहुत ही सोचने वाली बात है, आप नारे सुनिए और देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारी हड़ताल करते हैं। लगातार
लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हिंद वॉरियर लगातार आपकी आवाज उठाता है, सच के साथ उठाता है, और ऐसे ही हम आपकी आवाज सच के साथ उठाते रहेंगे। पर आपको भी अपनी आवाज बुलंद रखनी होगी, लगातार आप अपनी आवाज बुलंद रखेंगे, लगातार आप सफाई कर्मचारी जो गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं, आप देखिए किस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं लगातार। अब सोना चौक पे ये हड़ताल आती हुई और सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल करते हुए आगे सफाई कर्मचारी बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, क्या उनका कहना है, किस तरीके से उनका क्या कहना है, क्या वो कहेंगे और क्या उनकी बात रहेगी। देखिए लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल करते हुए लगातार लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई और जो गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं, कोई और जो है वो व्यक्ति भी यहाँ पे नजर नहीं आते। आप देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारी यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं हड़ताल। किस तरीके से हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी, जहां तक आपकी नजर जाएगी सफाई कर्मचारी ही नजर आएंगे। ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं, ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो ज्यादा से ज्यादा कार्य करते हैं लोगों के लिए। आप देखिए किस तरीके से गुरुग्राम के, सर आप लोग दिन रात एक करते हैं और सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, क्या इस पे कहेंगे, क्या आपका कहना? हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी सरकार से आग्रह किया था और बार बार हम विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, झाड़ू प्रदर्शन के द्वारा सरकार से करते हुए आए कि वो हमारी जो जांच मांगे हैं, जैसे कोरोना काल में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए जो परिवार को सहायता राशि देना, 4000 रुपए जोखिम भत्ता लागू करवाना, कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाना, और जो ठेकेदारी पड़ता जो पूर्ण तरह से नगर परिषदों में जो हमारे कर्मचारियों का जो शोषण किया जा रहा है उसको बंद करवाने के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदारी पड़ता समाप्त करवाना आदि मांगों के लिए हम ये आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर के हड़ताल पर है। आप लोग गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था एक तरीके से दुरुस्त रखते हैं और अब आप लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहते हैं जी? आप गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखते हैं और आप लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, उसमें क्या कहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सरकार ने अपना असली रूप दिखा रहे, ये सरकार दलित विरोधी, कर्मचारी विरोधी, क्योंकि इसमें एक हमारे खासकर जो सफाई कर्मचारी उस विषय जाती है सबसे दबला कुचला एक ये हमारा समाज है, यानी कि वाल्मीकि समाज के कर्मचारी ही ज्यादा सफाई कर्मचारी का कार्य करते हैं, वो सरकार ये दलित विरोधी सरकार है, हमेशा से कर्मचारी का शोषण, इतना शोषण कर रखा है कि ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों का आर्थिक, मानसिक और उत्पीड़न किया जा रहा है। कर्मचारी पूरा पूरा दिन काम करता है, पूरा महीना काम करता है, तनख्वाह कम दी जाती है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस जो ठेकेदारी प्रथा जो है इसको बंद करा जाए, ताकि ये कर्मचारी भी अपना अच्छी जिंदगी जी सके और कच्चे कर्मचारी पक्का करें। आपने देखा वो 10-15 हजार रुपए कर्मचारी को तनख्वाह दिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? सरकार से हम पूछना चाहते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ये रोजमर्रा का करने वाला काम है, सफाई का काम हो, सीवर का काम हो, तो जब काम पक्का है तो नौकरी भी पक्की चाहिए, नौकरी भी पक्की देनी चाहिए। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश आज ये एक दिवसीय हड़ताल का प्रोग्राम है, ये हड़ताल हमारे आज कामयाब है। अगर फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं मानना तो हम इस हड़ताल पर शीतकालीन में भी तब्दील कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारी लगातार एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम सफाई कर्मचारियों द्वारा, सफाई कर्मचारी लगातार चक्का जाम करते हुए सोना चौक, गुरुग्राम के सोना चौक को सफाई कर्मचारियों ने पूरी तरीके से जाम कर दिया है। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ से पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर दिया, चारों तरफ चक्का जाम गुरुग्राम के सफाई कर्मचारियों द्वारा करा जा रहा है। सबसे पहले सबसे तेज आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं और उनके साथ आज सरकार का जो निर्णय, जो सरकार इनके साथ लगातार खिलवाड़ करती नजर आ रही है। सोना चौक को पूरी तरीके से चक्का जाम सफाई कर्मचारी द्वारा कर दिया गया था और अब आगे बढ़ते हुए सफाई कर्मचारी आप देखिए जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा के अंदर में आज हमारी जो
आज कर्मचारी पहले पैरों करते थे, लेकिन सरकार से आंदोलन कर सरकार ने उस टाइम हमसे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व तो नगर पालिका कर्मचारी संघ का था उसमें ये बातचीत कर बताया, फैसला हुआ था कि हमने जो 366 कर्मचारी इनको रोल पर कर दिया है और आगे से फायर डिपार्टमेंट में ठेकेदारी प्रथा बंद की जाती है, आउटडोर एंट्री ठेकेदारी भर्ती घोर निंदा करते हैं। जब सरकार ने हमारे विभाग में ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी और 2018 में ये सरकार के साथ बैठकर फैसला हुआ था, उस टाइम हरियाणा के अंदर में जितने भी नगर निगम नगर कमेटी और गांव में जितने भी कर्मचारी थे वो रोल पर कर दिए थे सरकार ने, और अब इस सरकार इसको बाहर निकाल कर राजस्व विभाग में डालकर इन 366 कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटका कर इनको बाहर करने का रास्ता जो दिखा रही है, हम इसकी उसमें नगर पालिका हड़ताल आज एक दिवसीय हड़ताल पर पूर्ण रूप से जो हम गुड़गांव के अंदर 145 कर्मचारी है 31 रोल के 14 आउटसोर्स के माध्यम से लगे हुए आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ हम हड़ताल पर हैं, और आगे अगर हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ नेतृत्व तो आगे सरकार बात नहीं मानती है, अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार होंगे, इसके स्वयं जिम्मेदार या तो हमको देखिए किस तरीके से लगातार सफाई कर्मचारी यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, सब में रोष दिख रहा है और सब नारे रहता है और लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे दरख्वास्त करूंगा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लगातार सफाई कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। एक बार बात करेंगे प्रधान जी से, क्या उनका कहना है किस तरीके से उनकी जो मांगे हैं वो रखी जाएगी, आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर। सर कहाँ तक आप ये मार्च निकाल रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं किस तरीके से? ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लगातार क्रम में नगर पालिका कर्मचारी संघ केंद्र कमेटी के आह्वान पर हमारे ये प्रोग्राम चले आ रहे हैं। 17 अगस्त को हमने शहर के मुख्य मार्गों पर काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, हमारी मांगे मानी गई मांगों का परिपत्र अभी तक हरियाणा सरकार ने जारी नहीं किया। 24 अप्रैल और 17 अगस्त को जो फैसला हुआ था दो दौर की वार्ता में, उस फैसले पे हमारे 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के सहमति बनी थी, जिनको लेकर के एक भी परिपत्र जारी नहीं किया, उसका दोबारा से हमें विरोध करना पड़ रहा है। और हरियाणा सरकार को यह चेता रहे हैं इस मंच के माध्यम से, इस हड़ताल के माध्यम से सामूहिक हड़ताल करिए हरियाणा प्रदेश के 87 पालिका परिषदों के अंदर तमाम शहरों में, और उसको ये चेता रहे कि हमारी मांगों को जल्द से मान ले, जो हमारे साथ आपकी सहमति बनी है उनके परिपत्र जारी करें, अन्यथा आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे और हमारा विरोध का सामना करना पड़ेगा। सर आप कोरोना काल में भी तत्पर रहे, आपके कुछ सफाई कर्मचारियों की जान भी गई उसमें, और अब भी सरकार आपको एक तरीके से प्रताड़ित कर रही है, उस पर क्या कहेंगे और सरकार के खिलाफ किस तरीके से आप मोर्चा निकाला हो? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना काल के दौरान जो हमारे बहुत सारे शहीद हुए हैं कर्मचारी साथी, जिन्होंने क्वारंटाइन एरिया के अंदर जाकर के कूड़े को उठाया है संक्रमित लोगों के, और जो संक्रमित होने के बाद जो यहाँ इस प्रदेश के अंदर देश के अंदर जो डेथ हुई है उन सभी मृतक शरीरों को उनका जो है कि हमने जो है कि संस्कार कराया है अपने कर्मचारियों से, और उसके बावजूद जो हमारे कर्मचारी उनको स्पर्श करने के बाद जो संक्रमित हुए हैं वो संक्रमित कर्मचारी बहुत सारे शहीद हो गए जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसके लिए खट्टर साहब ने अनिल विज जी ने एक वादा किया था कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को मैं 50 लाख रुपए दूंगा और उनको एक एक सरकारी नौकरी दूंगा, 4000 रुपए प्रत्येक कर्मचारी को जोखिम बता दूंगा, लेकिन एक रुपया भी अभी तक नहीं दिया है खट्टर सरकार ने। देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी लगातार देखिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सफाई कर्मचारी नजर आएंगे और एक के बाद एक सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देखिए किस तरीके से
गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की जो हालत है उसकी जिम्मेदार है सरकार। सरकार लगातार सफाई कर्मचारियों को परेशान और प्रताड़ित करती नजर आ रही है। लगातार आपकी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें गुरुग्राम के सोना चौक को सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरी तरीके से आप देखें चक्का जाम किया गया। उसके बाद सदर बाजार से निकलते हुए सफाई कर्मचारी आगे बढ़ते हुए लगातार सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल यहां पे करी जा रही है। आप देखिए किस तरीके से पैदल मार्च निकाला जा रहा है और लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं हमारे गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी। लगातार लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं, समस्या है पूरे गुरुग्राम की, समस्या है पूरे समाज की। आप देखिए किस तरीके तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सफाई कर्मचारी नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक सफाई कर्मचारियों को लगातार प्रताड़ित गुरुग्राम किया जा रहा है। हरियाणा के हर जिले में सफाई कर्मचारी ऐसे ही प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। सोचने की बात है, एक तो महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, ऊपर से लोगों को मुश्किल है और अब के हालात आप देखिए किस तरीके से रोड पे सफाई कर्मचारी नजर आ रहे हैं। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए और सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमारे सफाई कर्मचारी देखिए अब किस तरीके से अग्रवाल धर्मशाला जो है उसके सामने चक्का जाम करते हुए नजर आ रहे हैं सफाई कर्मचारी। पूरी तरीके से व्यवस्था को पूरी तरीके से जाम सफाई कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया। एक ही मांग सफाई कर्मचारियों की कि उनकी मांगे हैं उनको पूरा करा जाए। एक दिवसीय सामूहिक अवकाश आज सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। हड़ताल लगातार सफाई कर्मचारी देखिए सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए, आप देखिए सुनिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अग्रवाल धर्मशाला के सामने सफाई कर्मचारियों ने जाम रखा। जाम कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किस तरीके से नारेबाजी सरकार के खिलाफ लगातार सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। देखिए कितनी हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है। एक से सारे सफाई कर्मचारी लगातार एक ही मांग, एक ही नारा लगाते हैं कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, उनकी मांगे जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की मांगों को माना जाए। लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किस तरीके से गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी यहाँ पे आप देखिए लगातार लाइव तस्वीर, क्योंकि गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था है वो ठप से वो यहाँ पे नाकाम नजर आ रही है, एक तरीके से विफल नजर आ रही है। अगर गुरुग्राम के अग्रवाल धर्मशाला के सामने फिलहाल हम मौजूद है सदर बाजार के पास और आप देखिए किस तरीके से
लगातार महिलाएं भी नारे लगाती हुई आप देखिए किस तरीके से, देखिए लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी आप देखिए लगातार चक्का, महिलाएं भी नारे लगाते हैं। किस तरीके से सफाई कर्मचारियों द्वारा लगातार नारे लगाए गए, आप सफाई कर्मचारियों के जो हालात है उनका जिम्मेदार उनकी जिम्मेदार है सरकार क्योंकि लगातार सरकार से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और अब हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी रोड पे उतरे हैं और सब सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में सफाई कर्मचारी बस यही चाहते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, लाइव तस्वीर आप स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सरकार विरोधी नारे लगातार सफाई कर्मचारी लगा रहा है गुरुग्राम में, सबसे पहले सबसे तेज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी गुरुग्राम के परेशान नजर आ रहे हैं हजारों की तादाद में। अब फिर नगर निगम कार्यालय की तरफ बढ़ते हुए फिलहाल नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे सफाई कर्मचारी। आज सफाई कर्मचारियों द्वारा फिर से एक बार प्रदर्शन किया गया, सबसे पहले आपको सबसे तेज आपको दिखाई, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए क्योंकि गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था है वो जल्द ही ठप हो सकती है, कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएगा गुरुग्राम अगर सफाई कर्मचारियों को इस तरीके से लगातार प्रताड़ित किया गया तो। देखिए किस तरह हमारी मांगे जिंदाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद। अब फिलहाल नगर निगम कार्यालय गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी आ गए हैं, गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी गुरुग्राम के नगर निगम कार्यालय के बाहर एक बार फिर से आ गए। आप देखिए यहीं से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और यहीं पे आके एक तरीके से फिर से मांगे गुरुग्राम के सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। आप देखिए हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए, गुरुग्राम की जो सफाई व्यवस्था है वो ठप हो सकती है क्योंकि सफाई कर्मचारी निराश है, सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं माने जा रही है और लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। गुरुग्राम के अब नगर निगम कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारी आ गए, देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी थे अब कार्यालय के अंदर फिर से वापस जाते हुए, देखिए किस तरीके से गुरुग्राम के सफाई कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। गुरुग्राम की जो व्यवस्था है वो जल्द से जल्द, गुरुग्राम की जो सफाई व्यवस्था है वो ठप हो सकती है और गुरुग्राम कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएगा। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए किस तरीके से गुरुग्राम में जो सफाई कर्मचारी है वो परेशान नजर आ रहे हैं, गुरुग्राम के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पे है और आज लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे और नारेबाजी गुरुग्राम सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई, सरकार विरोधी नारेबाजी सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई, हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, गुरुग्राम के हर व्यक्ति की समस्या है, गुरुग्राम की जो सफाई व्यवस्था है वो कभी भी किसी भी वक्त ठप हो सकती है और गुरुग्राम कूड़े के ढेर में तब्दील हो सकता है। सोना चौक जाम करा अग्रवाल धर्मशाला के सामने चक्का जाम सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन तनुज के साथ रोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज।